स्टूडेंट, मैं जितेंद्र कुमार जायसवाल चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज इटबहारा गौर बस्ती द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 12 की केमिस्ट्री की क्लास में पढ़ेंगे हेलो एल्केन्स पार्ट 2। इस पार्ट में हम लोग हेलो एल्केन्स के नामकरण के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने हेलो एल्केन्स के इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। आप जानते हैं कि नामकरण की दो विधियां हैं। पहला आपका है कॉमन नेम और दूसरा है आईयूपीएसी नेम। तो हम लोग देख लेते हैं हेलो एल्केन्स के कॉमन नेम के बारे में। तो कॉमन नेम में हम क्या करते हैं कि पूर्व लग्न यंग आइसो और नियो लगाते हैं। अगर हम कहें कि किस प्रकार नामकरण किया जाता है, तो पहले पूर्व लग्न लगाया जाता है, फिर उसके बाद एल्किल समूह को लिखा जाता है, एल्किल लिखा जाता है, फिर उसके बाद क्या है हैलाइड। ठीक है, जैसे कि ये आपका CH3Cl2, आपका ये नॉर्मल होगा, इसका नाम होगा मेथिल क्लोराइड। क्या होगा? मेथिल क्लोराइड। नॉर्मल को कभी कभी लिखा जाता है, कभी कभी नॉर्मल को नहीं लिखा जाता है। आप जानते हैं कि कार्बन की संख्या के आधार पर, अगर कार्बन की संख्या एक है तो इसका इसको मेथ से, दो है तो एथ, तीन है प्रो, चार है ब्यूट, पांच है पेंट, छह है हेक्स, सात है हेक्ट, आठ ऑक्ट, सिनाइन, नोन और सिकेन डेथ। तो इसमें आप देख रहे हैं कि कितना है, एक है तो मेथिल क्लोराइड। अब अगर हम बात करते हैं नॉर्मल आइसो न्यू, तो आप सामान्य रूप से जान लेंगे कि अगर कोई चेन सीधे है, उसमें कोई भी एल्किल ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है, यानी एल्किल ग्रुप का मतलब कोई अलग से आपका सी के साथ सी नहीं जुड़ा हुआ है शाखा के रूप में, तो आपका नॉर्मल होगा। अगर इसमें इस श्रृंखला में अगर कोई एक ब्रांच के रूप में एक और सी जुड़ा हुआ है, तो ये आपका होगा आइसो। और अगर एक ही कारण से दो और कार्बन जुड़े हुए हों, तो ये हो जाता है आपका नियो। यानी उस समय क्या लगाएंगे, नियो। यानी पहला क्या हो गया नॉर्मल, दूसरा हो गया आपका आइसो, और तीसरा क्या हो गया। ठीक है, अब देख लेते हैं कि कुछ नाम ऐसे हैं जिनका हम लोग क्या करेंगे, साधारण नाम करेंगे। तो यहां देख लीजिए, ये आपका हैलाइड ग्रुप से ही जुड़ा हुआ, मतलब सीएल है, तो 1 2 3 4, तो इसका नाम हो जाएगा यन ब्यूटिल क्लोराइड, यन ब्यूटिल क्लोराइड। क्यों? क्योंकि कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3 4। कभी कभी नॉर्मल लगाया जाता है, जब लंबी श्रृंखला होती है तो नॉर्मल
कभी कभी लगाया जाता है, कभी कभी नॉर्मल नहीं लगाया जाता है। यहां देखिए, एक दो तीन चार कार्बन की संख्या कितनी है? चार। लेकिन एक कार्बन क्या है? शाखा के रूप में दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये आपका हो जाएगा आइसो ब्यूटिल, क्योंकि ब्रोमाइड जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, तो ब्यूटिल ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। तीसरे में देखते हैं, यहां भी कार्बन की संख्या कितनी है? एक दो तीन चार। लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि इस कार्बन से दो और कार्बन जुड़े हुए हैं, मतलब दो और एसिड ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये आपका हो जाएगा नियो, नियो ब्यूटिल आयोडीन है तो आयोडाइन, आयोडाइन। इस प्रकार हम लोग और हेलो एल्केन के नामकरण को कर सकते हैं साधारण विधि से। अब हम बात करते हैं आईयूपीसी, आईयू, अब हम बात करते हैं आईयूएपीसी सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, पहले हेलो जोड़ा जाता है फिर एल्केन। जैसे यहां क्या हो गया, सी टू एच फाइव सी एल, तो हेलो वाला क्या हो गया, ये आपका हो गया क्लोरो, क्लोरो और कार्बन की संख्या कितनी है? दो, तो हो गया ए। अब हम देख लेते हैं, तो ये आपके तीन यौगिक दिए गए हैं, उनके नामकरण को हम आईयूपीएसी मेथड से भी देख लेते हैं। तो यहां देखिए, एक दो तीन चार कार्बन की संख्या कितनी है? चार, तो ये आपका हो गया। और लास्ट में क्या है, सीएल, तो ये आपका हो गया क्लोरो ब्यूटेन, क्लोरो ब्यूटेन। दूसरा वाला देख लीजिए, यहां ये क्या है, ब्रांच के रूप में है, तो हम क्या करते हैं, यहां से हम आपका नेमिंगकरण करिए। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां से इसका नंबरिंग करेंगे, एक दो तीन, क्योंकि आप जानते हैं कि नंबरिंग वहां से किया जाता है जिधर क्रियात्मक समूह जुड़ा हो या निकट हो, तो यहां से ये जुड़ा हुआ है। अब हम देख लेते हैं इसका क्या नाम होगा, तो ये किस पोजीशन पे जुड़ा हुआ, फर्स्ट पोजीशन पे, तो हो जाएगा वन ब्रो मो, वन ब्रोमो। और किस पोजीशन पे मेथिल जुड़ा हुआ है, दूसरे टू मेथिल। और कार्बन की संख्या कितनी है, एक दो तीन, प्रो। देखिए आईयूपीएसी नेम के लिए आपको क्लास 11 के कोर्स को दोहराना होगा, वहां से आपको आईयूपीएसी नेम को और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। यहां तो केवल संक्षिप्त रूप से पढ़ाया जा रहा है, केवल हेलो एल्केन के बारे में पढ़ाया जा रहा है। जब कभी 11th में आईयूपीएसी नेम पढ़ाया जाएगा तो उसमें आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो बना दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले आप क्या करेंगे, आप 11th पढ़ के आए हुए हैं, इसलिए आप वहाँ जाके पुनः रिवीजन करेंगे। तो यहाँ देखिए तीसरे वाले कंडीशन में, तो ये आपका हो जाएगा एक दो, ये क्या है, एक और दो, या फिर उसके बाद ऐसे कह सकते हैं नंबरिंग। तो नंबरिंग हम देखिए, नंबरिंग आप जानते हैं कि नंबरिंग किया जाएगा, तो नंबरिंग हम यहां से भी कर सकते हैं, एक दो
तीन ऐसे भी कर सकते थे और एक दो तीन ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। तो इसका क्या नाम होगा, किस पोजीशन पे जुड़ा हुआ है आपका आई, तो यहां हम देख लेते हैं कि सेकेंड पोजीशन पे आई जुड़ा हुआ है, तो आपका हो जाएगा टू आईडो टू आईडो टू आईडो टू मेथिल टू आईडो टू मेथिल प्रोपेन टू आईडो टू मेथिल प्रोपेन इसका नाम है। और ऐसे आप बहुत सारे आईपीसी नेम है जिसको आप 11th की बुक से पढ़ेंगे। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा।